गाइस इधर देखिए समोसे और गर्मा गर्म मिर्ची। ड्यूटी से आकर बच्चा जल्दी किसी की फैमिली में होता है कि अगर कोई न्यू आता है तो नहीं होता है कि लड़का हो तो अच्छा हो उनके तो अच्छा है। तो आज हम अपनी मम्मी इसी बारे में पूछेंगे कि मम्मी आपको क्या चाहिए। तो गाइस इधर देखिए समोसे और गर्मा गर्म मिर्ची। ड्यूटी से आते ही मैं लेके आया हूँ, पता चला कि बंदा भी आई है। इधर लगा हुआ है, खाइए। और एक बचा है, मम्मी बोले सोनाक्षी के लिए ले जाओ। सोनाक्षी और पिंटू को आधा आधा देते। ता बच्चा जल्दी है हो। मैं कोई पैकिंग कर अपन नहीं जा भी ना हॉस्पिटल। यही बगल में हॉस्पिटल है क्या? फिर भी बैग पैक करो। बैग तो पैक करना ही पड़ेगा। तो गाइस जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग। ऋषभ खाओ, ऋषभ खाते हो ना? लो आधा। ऋषभ का तो फेवरेट है ये, गरम गरम हमके छान रहा था, लेते चले आप लोग के लिए। कैसा है ना ये मिर्ची बनाएगा? हम लोग के साइड कैसे हम लोग क्या घुमा घुमा के बनाते हैं जलेबी की तरह ना, यहाँ डिजाइनदार बनाते हैं। पापा मंगाते हो ना? कैसा है? मम्मी खाओ। हाँ एक समोसा 12 रुपए का मिलता है शायद। इनके यहाँ 20 रुपए हो गया, मैं नहीं खाती समोसा। और वहाँ मदनगिरी में एक समोसा 20 का देता है ना? नहीं 12 हो गया। नहीं 20 का देता है। 20 तो हो गया। कैसा है ऋषभ? अच्छा लगता है। अच्छा है, गरम गरम ठान के लेते चले आप भी खाओ। अरे खा लो, खा लेंगे अभी। मम्मी खा लो। बढ़िया यार मिट्टी अच्छा है। खोवा वाला भी मिर्ची रखता है, दो किस्म का रखा हुआ है। हमके दाल वाला दाल वाला ही अच्छा लगता है। इधर बनाते हैं घर पे मिर्ची, आते हैं बनाने YouTube से देखकर। जलेबी बना लो वही बनाते हैं। लॉकडाउन में बनाए थे जलेबी, वायरल हो गया था वीडियो। हम पन्नी में मिर्ची समोसा तो हम भी बना लेते हैं। चलो गाइस सब लोग खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। बना लेने ये सब कुछ बना लेती हैं बोल रही हैं। क्या क्या बनाती हो? हमको जो नहीं आता हम दीदी लोग से। अरे यूट्यूब पे भी देख लो ना। खा लो भी सब, खा लो ये, खा लो समोसे। ठीक है गाइस बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अभी। गाइस मैं ड्यूटीज तो आया था लेकिन अपना ये शक्ल नहीं दिखाया था, तो बंदा दी आई थी चली गई। और मम्मी कहाँ गई जी? मम्मी गई। अच्छा मम्मी गई है थोड़ा सा वॉशरूम गई है। तो गाइस क्या बना रही हो आप? रोटी बना रही हो? तो सही है आप? दवाई वही खा रहे हैं, दूध दूध पिए हैं। और तो सच में आज ऐसा सुबह रो रहे थे ना, तो उनसे मैं तो लगा आज ही लेके चलना पड़ेगा अस्पताल, आज ही की किलकारी गुजरी घर में। क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं ना कि जैसा लगता है कि इनका समय पूरा हो गया है, और पूरा हो गया है। आज हम दर्द ऐसा होता है ना तो लोग अंदाजा लगाते हैं, और पेट देख के भी लोग अंदाजा लगाते हैं कि अब हो जाएगा। और आज मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहूंगा, अपने दिल की बात पूछना चाहूंगा, देखते हैं मम्मी के मन में क्या है। मम्मी से पूछूंगी मम्मी आपको क्या चाहिए, पोता चाहिए कि पोती चाहिए? तो मम्मी को ऑन दीजिए, फिर हम आप लोग से पूछते हैं और सीधे दिल की बात आप लोग तक पहुँचाएंगे। कमेंट मत करिए कि हम ऐसे समय रोटी बना रहे। मम्मी बोली सुबह, मम्मी खाना बनाई थी इस टाइम भी बोली बनाने के लिए, लेकिन हम नहीं, इन्होंने अपने खुद से कि मम्मी को आराम दी ताकि ज्यादा काम मम्मी भी नहीं। अच्छा उनकी तबीयत नहीं सही रहती दोस्तों, तो इसीलिए मिल बांट के दोनों कर लेते हैं। जितना अभी हम काम करेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन ज्यादा खड़े हुए करोगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। इसलिए बोले कि मम्मी से दीजिए आज हम बनाए, नहीं दे रही थी हम जबरी। रोटी गोला गोला बनाती है क्या यार? रोटी नाम ले ली, मेरा रोटी मुड़ गया। नहीं होते जब ज्यादा तारीफ करते तो। मम्मी भी रोटी मेरे बहुत अच्छा बनाती हैं। ये देखो पूरा फुला रोटी। तो रोटी बन गया, सब्जी क्या बनेगा? घर में बहुत है आ? सब्जी सब्जी वो सब्जी मम्मी पता नहीं क्या बनाई। तो मम्मी आज गई थी सब्जी मार्केट, पता नहीं क्या क्या ढेर सारा आइटम लेके आई। मम्मी थोड़ा सा आप मार्केट चले जाओ, तो मम्मी अकेले नहीं गई थी, मन्ना जी के साथ गई थी। बोली मटर वगैरह सब लेके आई। बोली हाँ इतना 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 मतलब ज्यादा सब्जी दुकान में भीड़ है क्या बताएं। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, आप देख मिलते हैं अभी।
अब सोच रहे हैं ना इसको हटवा दे क्या यार, अच्छा लग रहा था, निकल गया था, निकल गया, नहीं निकल रहा, अच्छा लग रहा है। इस इस बार गजब सजाया था हमने, अपने हाथ से सजाया था। पिछली बार भी बोले कि ज्यादा मेहनत नहीं सजा दो, लेकिन उस टाइम पता है बहुत काम नहीं कर पाए हम, उस टाइम काम भी बहुत था, लोग भी बहुत ज्यादा लोग भी थे। तो रोटी बन गया आपका? रोटी बन गया तो थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है? तो गाइज बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, मिलते हैं आप लोगों से। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और प्यार ढेर सारा दिया करिए दोस्तों। तो गाइज इनका खाना पीना सब बन गया है, खाना निकाल लें। क्या है जी आज खाने में? कढ़ी है, कढ़ी है, दाल है, रोटी है, चावल है। अच्छा कढ़ी लग रहा है, बंदा दिखर से है क्या? अच्छा। मेरा खाने का मन था तो बोले दीदी मेरे लिए लेते आइएगा। तो गाइज इधर खाना निकल गया है, मम्मी हाथों धूली कढ़ी हमको अच्छा लगता है। एक दिन मम्मी से कढ़ी बनवाएंगे तो उसकी फुल रेसिपी जाएगी, तो मम्मी रेडी हुई खाने के लिए। चलो हम भी खाते हैं खाना लेके, दोस्तों खाना खा लेते हैं फिर मम्मी से पूछते हैं मम्मी क्या चाहिए, एक थाली आप पोता चाहिए एक पोती चाहिए। तो ये रहा खाना, मैं लेके जा रहा हूँ, आप भी लेके आ जाओ। तो गाइस बने रहिए, खाना वाना खा के मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस खाना वाना खा लिए हैं, अब सोचे थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि उधर किचन में मम्मी और कोमल साथ मिलके बर्तन शायद धुलवा रही हैं। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ अपनी मम्मी से कि उनको क्या चाहिए। होता है ना किसी किसी को कि लड़का लड़की, तो मम्मी से ही पूछेंगी उनके मन में क्या चल रहा है। क्या जी बर्तन धुल रही हो क्या? मम्मी इधर सामान वामान रख रही है, तो खाने पीने के बाद बर्तन रात में धुल जाता है ताकि सुबह ऊपर साफ रहे, किचन में साफ रहे। वैसे रात में बर्तन धुलना चाहिए खाने के बाद। भाभी रहती थी पानी में ऐसा खत्म कर रहा था, पानी नहीं खत्म होता है। भाभी हमारी ना पानी खोल के काम करती थी इसलिए पानी खत्म नहीं, नहीं वो ज्यादा चेक जाती थी, किसी किसी के हाथ से पानी ज्यादा लगता ही है, हाँ नहीं पानी कम खर्चा करो भाई, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो आ जाती हैं दोस्तों, फिर मिल आप लोग से इनकी मन की बातें पूछते हैं, देखते हैं कि उन्हें क्या है। A few moments later. तो गाइस वो समय आ गया है कि मम्मी से पूछते हैं। होता है ना किसी मन में होता है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, हर किसी की फैमिली में ये होता है कि अगर कोई न्यू बेबी आता है लोग मन में होता है कि लड़का हो तो अच्छा हो, लड़की तो अच्छा है। तो आज हम अपनी मम्मी इसी बारे में पूछेंगे कि मम्मी आपको क्या चाहिए। हमको चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे लिए दोनों एक समान है। पहला बच्चा लड़की हो या लड़का, लड़की होगी तब भी हमें खुशी है, लड़का होगा तो भाई खुशी तो खुशी ही है। अरे मैं जहाँ तो मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कि लड़की होती है तो बोलते हैं ना सौभाग्य हो, सौभाग्य से लड़की हुई है, मतलब जब लड़की पैदा होती है तो सौभाग्य लेके आती है, और लड़का तो लोग बोलते हैं भाग्य से लड़का हुआ है। सौभाग में से एक भाग अच्छा होता है तब लड़का होता है, अगर 99 भाग और अच्छा होता है तो उसको सौभाग्य। तो वही तो बोल रहे हैं, लड़की सौभाग्य से पैदा होती है और लड़का एक भाग्य से पैदा होता है। तो हमारे लिए दोनों एक समान है, मम्मी लड़की हो या लड़का सब मेरे लिए दोनों खुशी है। पहले पहला बच्चा समझ लीजिए लड़का ही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। हाँ लड़का के मेरे दो हुए हैं बड़े वाले बच्चे को, एक पहला लड़का दूसरे लड़की, लेकिन दोनों मेरे एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। पहले के लोग थे भेदभाव। तो हमारी मम्मी का आपने डिसीजन सुन लिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों एक समान है। तो कोई डिमांड नहीं कि हमको लड़का ही चाहिए, कुछ लोग होते नहीं लड़का हो तो ऐसा कुछ नहीं हो, बस अच्छे से हो जाए। हाँ। मम्मी का ये कहना है, भगवान करे अच्छे से नॉर्मल हो जाए, हम तो दुआ कर रहे हैं भगवान से कि नॉर्मल ही हो तो अच्छा है, क्योंकि खाने पीने के लिए सब मिल जाएगा और जो होता है ऑपरेशन से तो उसमें कुछ खाने के लिए सीढ़ी उतरना चढ़ना, सब परेशानियां होती है। भगवान से हम तो यही दुआ मना रहे हैं कि भगवान अच्छे से डिलीवरी नॉर्मल ही हो। पहले के लोग थे मतलब लड़की होती थी तो उनका मुंह निकल जाता था, अच्छा नहीं लगता। अब लड़कियां इतनी आगे निकल जा चुकी हैं, बोलते हैं ना बेटी बचाओ देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, होता है ऐसा मोदी जी का जो डायलॉग है, बेटी बचाओ देश पढ़ाओ ना, ऐसे क्या है? मैं डायलॉग ही भूल गया यार, इतना
चर्चित डायलॉग है, बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आजकल बेटियां, आजकल लड़का जो चीज लड़का कर रहा है वो चीज लड़की भी कर रही है, हर क्षेत्र में लड़की है। तो दोनों एक समान है दोस्तों, मम्मी का हमारा कोई डिमांड नहीं। तो ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगा आप लोग गेस करिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है हमारा। मम्मी के आने से तो बहुत कुछ हेल्प मिल गया है कोमल को, खाने पीने पे पूरा ध्यान रखती है हर समय, क्या देना है क्या उठना क्या करना है कब उठना है, अब तो टाइम टू टाइम हो गया, कोई आलसी नहीं है कोई ओपन नहीं है। तो ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपने आप जरूर कमेंट कर देना कि मम्मी ने मम्मी का हमारा सोच कैसा है। तो प्लीज रिप्लाई करना और आप उसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।